मंदिर के कबाड़ जो हैं 22 मार्च से खुल गए थे, फर्स्ट नवरात्रा से, और ऑफिशियली जो है यात्रा जो है मंदिर की चालू है। तो इस बार मैं ये भी एनालाइज करूँगा कि ये जदरांगल वाला रास्ता ज़्यादा अच्छा है या जिया वैली वाला रास्ता ज़्यादा अच्छा है हिमानी चुंडा माता की यात्रा के लिए। मतलब जनता को बताना पड़ेगा मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, पूरा मतलब इनको ऐसा लगे कि साथ में ये भी मेरे साथ यात्रा करें। अरे 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 अरे, बारिश कब चालू हो जाएगी मैं आपको पहले ही कहा था। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सबको, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कर रहे हैं माता हिमानी चामुंडा की यात्रा जो यहाँ से शुरू हो रही है, जदरांगल से हो रही है, और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये है यहाँ पे गेट भी लगा है माता के मंदिर का। और हिंदू नववर्ष की सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और आज अष्टमी है तो अष्टमी के इस पावन अवसर पर हम माता हिमानी चामुंडा के दर्शन करने जा रहे हैं परिवार सहित। तो चलो आपको भी इस यात्रा पे लेके चले, लेट्स गो गाइस, चलते हैं। जय माता दी, जय माता दी, यहाँ पे अब चलते चलते हमारे भाई लोग को गर्मी लग रही है तो अपनी जैकेट्स वगैरह उतार रहे हैं। सुबह हम निकले थे तो काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी, सुबह का मौसम आपको पता है काफ़ी ठंडा था, तो हमने जैकेट्स वगैरह लगाई थी। अब जो है धूप काफ़ी निकलाई है, बहुत तेज़ धूप हो रखी है, तो अब हमें गर्मी लग रही है तो जैकेट वगैरह उतार रहे हैं। ओके भाई, चले हैं ऊपर बांसुरी बजाने। गाइस यहाँ पे आगे झंडा पॉइंट है, यहाँ पे स्टोन में भी लिखा हुआ है, वो देखिए आगे मैं दिखाता हूँ आपको, ये है झंडा पॉइंट। तो चलो इस झंडे पॉइंट की ओर चलते हैं। जब आप यात्रा करते हैं हिमानी चामुंडा माता की तो रास्ते में ये फ्लैग्स मिलते हैं, ये फ्लैग्स आपको मिलेंगे जब आप जदरांगल वाले रास्ते से हिमानी चामुंडा माता की यात्रा करोगे। हिमानी चामुंडा माता के लिए जो मेरा नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग दो रास्ते हैं, एक रास्ता जो है जिया वैली की तरफ से है और एक जदरांगल से है। ये यात्रा जो है इस बार जदरांगल वाले रास्ते से हो रही है। तो इस रास्ते में बहुत ही साल पहले आया था, साल मैं 2014 में आया था अपने भाई, बड़े भाई पुनीत के साथ, और साथ में उनके और फ्रेंड्स भी थे। तब मैं 10th स्टैंडर्ड में था जब मैं इस यात्रा पर आया था, तब वो मेरी फ़र्स्ट टाइम यात्रा थी और मेरा एक फ़र्स्ट ट्रैक था मेरी लाइफ का जो मैंने अपनी लाइफ में एक किया था। तो उस टाइम बहुत ही यादगार पल थे, बहुत ही मज़ा आया था, और मेरी हालत भी बहुत ख़राब हुई थी क्योंकि वो मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था कोई पहाड़ चढ़ने का। 2014 तक अब तक मैं कोई 5-6 बार इस यात्रा पे आ चुका हूँ, बस ये जो जदरांगल वाला रास्ता है फ़र्स्ट टाइम 2014 में ही आया था, और उसके बाद जो चार पाँच बार चढ़ाई करी है मैंने वो जिया वैली वाले रास्ते से ही करी है कि वो रास्ता जो है बहुत ही अच्छा रास्ता है। तो इस बार मैं ये भी एनालाइज करूँगा कि ये जदरांगल वाला रास्ता ज़्यादा अच्छा है या जिया वैली वाला रास्ता ज़्यादा अच्छा है हिमानी चामुंडा माता की यात्रा के लिए, आपको बताऊँगा वो लास्ट एंड में बताऊँगा कि क्या कंक्लूजन है अकॉर्डिंग टू मी। तो ठीक है, चलते हैं यात्रा में आगे बढ़ते हैं और अपने साथियों के साथ चलते हैं साथ साथ। यहाँ पर एक शॉप भी है, दिखाता हूँ आपको, बीच में देखो शॉप्स भी हैं, यहाँ पे आप के लिए पानी की बॉटल्स वगैरह भी ले सकते हैं, नेचुरल सोर्स से भी यहाँ पे पानी वगैरह आ रहा है। डिस्टेंस मैं आपको बताता हूँ कितना है, मैं अपने मोबाइल ट्रैक में देखता हूँ कितने डिस्टेंस हमने कवर किया है। देखो हम बड़े आंदे बिल्कुल परिवार गृहस्थी पे आंदा क्या बोलते हैं ना, तो तुम भी यात्रा करेगी शॉप ची हूँ तो अच्छा थोड़ी शॉप है ना, तो थोड़ी शॉप का नाम क्या है? चाचा हट्टी शॉप। तो फ्लैग पॉइंट के साथ ही चाचा हट्टी शॉप है। अभी नीचे जदरांगल से हम 4.5 किलोमीटर आए हैं, तो 4.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई करके यहाँ पे आपको शॉप मिलेगी, यहाँ पे प्रसाद वगैरह भी मिल जाता है और हाइड्रेट के लिए, बॉडी हाइड्रेट करने के लिए पानी भी मिल जाएगा, स्नैक्स वगैरह भी आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही पीसफुल एरिया है, बहुत ही पीसफुल एरिया में ऐसी शॉप है, और नेचुरल सोर्स से भी यहाँ पर इन्होंने पानी की सप्लाई जो है लगाई है, बहुत ही बढ़िया लड़का बिल्कुल है। ये क्या है इसको? अच्छा ये कितने साल का है?
आठ साल का है। अच्छा यात्रा कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, ताऊ के साथ घूमने जा रहे हैं। अच्छा एग्जाम खत्म हो गया ना अभी इनके? चलो बढ़िया है, बिल्कुल। जय माता दी। चलो दोस्तों ब्लैक पॉइंट से हम आगे बढ़ते हैं। चलो शुभम भाई चलें, लेट्स गो। देखो दोस्तों पायलट कर रहे हैं ऊपर पैराग्लाइडिंग। ये बीड बिलिंग से उठते हैं और आपको पता ही है इंडिया की नंबर वन साइट है बीड बिलिंग पैराग्लाइडिंग के मामले में, एडवेंचरस प्लेस है, ठीक है। तो हम भी जाएंगे कुछ दिनों में वहाँ पे और ऐसा एडवेंचर आपको करके दिखाएंगे पैराग्लाइडिंग वाला। जी फ्लैग पॉइंट के साथ ही एक हट जो है, जो मैं काफ़ी साल पहले यहाँ पे इस रास्ते से आया था तो तब हमने यहाँ पे नाइट स्टे करी थी और उस टाइम यहाँ पे छत थी और आज भी है छत, आज भी ठीक है बट इस साइड की नहीं है। इस साइड भी थी बट इस साइड की छत जो है टूट गई है या फिर तोड़ दी गई है शायद, पर इस साइड की छत जो है ठीक है। इस हट है इसके अंदर हमने स्टे करी थी। आज का दिन जो है ये नाइट स्टे का दिन नहीं है, आज हम करेंगे डे हाइक बिल्कुल, दिन में जाएंगे और माता के दरबार के दर्शन करके आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको दिखा दिया कि कुछ साल पहले मैं यहाँ पे आया था और मैंने इस हट में स्टे करी थी। तो बढ़ते हैं यहाँ से आगे। गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं एक हट का जो है रिकंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं यहाँ पे कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी जो चिनाई बोल सकते हैं इसको करते हैं पत्थर के साथ ही, जो कितनी सुंदर लग रही है। और ऊपर लकड़ियाँ डाल दी हैं तो इसके बाद इसके ऊपर स्लेट डालेंगे तो पूरा फिर ये हट जो है तैयार हो जाएगा। कोई नहीं दिखाएंगे, थोड़े बशर में हम खा ले रहे हैं। ये भाई साहब ने तो पूरा पूर्ण व्रत रखा है, नीचे वाले जो दो इन्होंने व्रत रखा है। व्रत तो मैंने नहीं रखा है बट क्या बोलते हैं ये कि नीचे से मैंने कुछ नहीं खाया था घर से, मैंने आपको बताया कि मैं कुछ खा के नहीं चला हूँ। तो बीच बीच में हमने ये कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा लिए हैं और भाई अब मतलब जनता को बताना पड़ेगा मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ पूरा, मतलब इनको ऐसा लगे कि साथ में ये भी मेरे साथ यात्रा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, काम भी करते हो, मैं ठगूंगा नहीं इनको, पूरा बताऊंगा दोस्तों आपको पूरा बताऊंगा। जय माता दी। सामने जो दिख रहे हैं सामने वाली साइड पे काफ़ी बादल आ गए हैं, सो गाइस काफ़ी ऊपर आ गए हैं हम, कोई 7.5 किलोमीटर चलने के बाद ऐसी जगह पे पहुंचे हैं हम। देखो नीचे जो है आप देख सकते हो मेरे पीछे, ठीक मौसम नीचे बिल्कुल साफ़ है, जो नीचे का एरिया लो हाइट का और ऊपर काफ़ी मौसम ख़राब हो चुका है। देखो काले बादल दिख रहे हैं, देखो पीछे इस साइड तो बहुत ही ख़राब हुआ है मौसम, पता नहीं बारिश कब चालू हो जाएगी। मैंने आपको पहले ही कहा था मौसम जो है बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ नहीं बोल सकते हैं, हो भी सकती है बारिश नहीं भी हो सकती है, देखते हैं आगे चलते हैं आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्या होता है। हमारे साथी भी साथ में चल रहे हैं, बाकी भी आ रहे हैं साथ साथ ही चल रहे हैं हम सब। गाइस कोई 8 किलोमीटर चलने के बाद हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, अब थोड़ा ही डिस्टेंस बचा है और यहाँ पे एक शॉप है जो क्लोज़ है और आप पीछे देख सकते हैं कैसे बादलों की आवाज़ आ रही है गर्जने की, बारिश का पूरा संकेत है ये कि जो मर्जी बारिश शुरू हो सकती है। मंदिर के कबाड़ जो हैं 22 मार्च से खुल गए थे फर्स्ट नवरात्रा से और ऑफिशियली जो है यात्रा जो है मंदिर की चालू है, ठीक है। तो जिसने भी माता हिमानी चुंडा के यहाँ पे यात्रा करने आना है वो आ सकता है आराम से, बट वेदर कंडीशन चेक कर लें और फिर आएँ, क्योंकि प्रशासन के भी यही डायरेक्शन और यही प्रशासन द्वारा इन्फॉर्मेशन है कि मतलब जब भी कोई यात्रा पे आ रहा है तो अच्छे मौसम पे जाए, ख़राब मौसम पे यात्रा करने ना निकले। तो मेरी तरफ से भी आप लोगों को यही है कि साफ़ मौसम में जाएँ, क्योंकि जिस दिन अगर नीचे से आप जब निकल रहे हो और वेदर ख़राब है तब मत निकलो और जिस दिन धूप बताई उस दिन निकलो। वैसे आज मौसम साफ ही बताया था पर आपको मैंने बताया कि अनप्रिडिक्टेबल मौसम है, कभी ख़राब हो जाता है यहाँ पे मौसम। तो चलो चलते हैं आगे बढ़ते हैं।
गाइस मौसम पूरा साथ दिया है हमारा, भगवान ने पूरा साथ दिया है, पर माता रानी की कृपा से हम ने मतलब पूरा लगभग रास्ता पूरा जो है कंप्लीट कर ही लिया है। अब आखिरी कुछ मतलब 200-300 मीटर का रास्ता है, बट बारिश नहीं है शुक्र है, बट बादल इस तरह से आए हैं देखो, मतलब मैंने आपको दिखाया और आप खुद भी देख सकते हो, कोई पता नहीं है कब बारिश हो जाए, बट एक कृपा ही बोल सकता हूँ मैं भगवान की कि बारिश नहीं हुई है। यहाँ पे कुंड भी है, देखिए छोटा सा कुंड है ये, इसकी भी अपनी एक अलग खूबसूरती है, माता रानी के मंदिर के बिल्कुल ही ठीक साथ ही है ये, ऊपर भक्तजन भी चतर रहे हैं कई। फाइनली हम पहुंच गए हैं माता के मंदिर, ये माता के मंदिर का जो मेन गेट है, चलो हम भी चलते हैं, घंटी भी जाते हैं आगे चल के। सो गाइस ये है माता के मंदिर का गेट, जय माता दी। चलो दोस्तों माता का मंदिर, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, माता का मंदिर बना रहे हैं, भव्य मंदिर। सो गाइस फाइनली हम चलते चलते मंदिर में पहुँच गए हैं, काफ़ी कठिन चढ़ाई करने के बाद मंदिर में पहुँच गए हैं हम। पहले भी यहाँ पे एक मंदिर था माता का, ऐसे ही इसी शैली में था, बट वो कुछ कारणवश थोड़ा दुर्घटना बोल सकते हैं, ऐसे मतलब प्राकृतिक घटना हुई यहाँ पे, एक बिजली गिरी तो माता का मंदिर जो है जल गया था, बट अब दोबारा से भक्तों ने माता का मंदिर जो है बना दिया है, और आपको कुछ देर बाद माता यहीं पे दर्शन करने के मिलेंगे माता के। जय माता दी। GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग। ओनली जय माता दी, नो सिरी नो GoPro, ओनली जय माता दी। माता रानी के वहां पे शीश नवाते हैं और माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं। जय माता दी। यहाँ पे हमें बहुत बढ़िया दर्शन हो गए हैं, अब वापसी घर की ओर चलते हैं। जय माता दी। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया ना, माता रानी ने माता बड़ा साथ दिया हमारा, बहुत साथ दिया, इतनी गर्जन हो रही थी लेकिन फिर भी एक बूंद पानी की नहीं आई, बिल्कुल सही, बिल्कुल सूखे सके पहुंचे, बिल्कुल पीछे नजारे पहाड़ों के सुंदर आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए सुंदर वादियों में और साथ में माता के मंदिर का तो है निर्माण कार्य चल रहा है हमारे पंडित जी। पंडित जी जय माता दी, जय माता की, जय माता दी। जब भी आप मंदिर में आओगे तो पंडित जी आपको यहाँ पे मिलेंगे। जय माता दी, जय माता दी। ठीक है पंडित जी चलते हैं, फिर मुलाकात होगी। तो ठीक है दोस्तों, 9.5 किलोमीटर यहाँ पे नीचे से यहाँ तक का सफर जो है था हमारा, और यहाँ पे मंदिर हमने बहुत बढ़िया कीर्तन कर लिया, दर्शन कर लिए, और साथ में हमने थोड़ा अपना जो था थोड़ा मतलब स्नैक्स वगैरह भी खा लिया। ठीक है तो अब चलते हैं यहाँ से, बड़ी दर्शन हो गए हमें और माता रानी हमें दोबारा फिर बुलाए। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है माँ मुझे फिर बुलाना। ठीक है तो
तो चलते हैं यहाँ से। जय माता दी, माँ हमें फिर बुलाए और फिर माँ अपने दर्शन दे। जय माता दी। वापसी घर की ओर जाते हुए हम, सो गाइस हमारी यात्रा जो है बहुत ही अच्छी रही। मौसम ने बहुत अच्छा साथ दिया, भगवान ने हमारा पूरा साथ दिया, माता रानी के हमने अच्छे दर्शन कर लिए। और अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो कैसा लगा वीडियो, कैसा नहीं लगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर भी कर दो, ठीक है। और जो मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, बीच में रास्ते में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि जो दो रास्ते हैं, एक चद्रांगल से और एक जिया वैली से, तो कौन सा रास्ता बेटर है। तो अकॉर्डिंग टू मी जो है रास्ते दोनों ही बेटर हैं। माता की यात्रा के ये रास्ते हैं, ठीक है। माता के इन रास्तों से आप चल के माता के दरबार पर पहुँचते हैं, तो ये रास्ते दोनों ही बहुत अच्छे हैं। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो जिया वैली वाला रास्ता है वो ज़्यादा बेटर है अगर आप फैमिली के साथ चल रहे हो। तो गाइज आप भी इस यात्रा भी अगर आए हो कभी या आना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको कौन सा रास्ता बेटर लगता है, और आप अगर आए हो तो बताओ कौन सा रास्ता बेटर है दोनों रास्तों में से। और ठीक है, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय माता दी, बने रहना मेरे चैनल पे, ठीक है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।